दोस्तों, मूंगफली को नमक में डाल दो। इसके बाद बनाए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी प्रोटीन से भरपूर रेसिपी। इसे आप वेट लॉस के लिए बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पहले ही नमक डाल दिया था। नमक अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे मूंगफली। मूंगफली को हम इस तरह से अच्छे से भूनेंगे चलाते हुए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ना नमक में भून रहे हैं, तो गांव में क्या होता है ना, तो बालू में भी मूंगफली भूनते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सूंधापन आता है मूंगफली में। तो इसी तरह से हम चलाते हुए मूंगफली को भूनेंगे। तो इसे दोस्तों ना इस तरह से कंटिन्यू हमें चलाते हुए भूनना है, नहीं तो ये ना जल जाएगा नमक में। तो क्या आपने कभी नमक में इस तरह से मूंगफली भूना है दोस्तों? अगर भूने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हमें। तो ये देखिए, इसी तरह से हम मूंगफली को भूनेंगे। तो यहाँ पे जब मूंगफली का कलर चेंज होने लगे ना, तो हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा ना लो कर देंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी जलने लगता है नमक में। तो ये देखिए, मूंगफली का कलर चेंज होने लगा है। इसे हम कुछ सेकंड के लिए और भून लेंगे बस। तो यहाँ पे मूंगफली आप लोग देख सकते हो भुन चुका है। अब इसे ना हम एक छन्नी में निकालेंगे ताकि नमक अच्छे से निकल जाए इसमें से। तो इस तरह से हम छन्नी में पलट देंगे और ये देखिए, इसी तरह से हम छान लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने छन्नी में छाना तो नमक अलग हो गया और मूंगफली अलग हो गया। तो अब हम मूंगफली को क्या करेंगे ना, थाली में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे फैला देंगे अच्छे से ताकि ठंडा हो जाए। तो ये रेसिपी दोस्तों ना बहुत ही हेल्दी बनने वाला है, आप लोग देखते रहना। तो चलिए, इसको हम रखते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। तब तक हम इसके लिए कुछ सब्जियां रेडी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक गाजर, ककड़ी और टमाटर, और साथ ही में एक मैंने लिया है प्याज। प्याज को मैंने पहले से छील के रख दिया था। तो अब हम प्याज को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को छोटे छोटे पीसेस में कट किया, फिर ककड़ी, और फिर अब इसी तरह हम गाजर को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक टमाटर। टमाटर के बीच का जो पार्ट होता है ना दोस्तों, उसमें रस बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो उसको हम निकाल देंगे साइड में। तो एक प्लेट में इसे हम निकाल लेंगे। तो जो उसके ऊपर का पार्ट रहता है ना टमाटर के, वही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों गाजर, ककड़ी, प्याज, टमाटर मैंने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, धनिया की पत्ती कट करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में इसे भी, और इसे कट करने के बाद एक हरी मिर्च भी हम कट कर लेंगे। तो दोस्तों फाइनली मैंने सब्जियों को काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने मूंगफली को भून के रखा था ना, इसका छिलका इस तरह से हम मसलते हुए निकाल देंगे। छिलका निकालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली का छिलका निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा भुना हुआ चना लेंगे, चना का भी छिलका हम निकालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम चना का भी छिलका निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल। बाउल के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे जो सब्जियों को मैंने कट करके रखा था ना, वही सब डाल देंगे, मतलब टमाटर ये सब जो भी काट के रखा था। तो ये देखिए, इस तरह से हम सब सब्जियाँ साथ ही में डाल देंगे। सब्जियों को डालने के बाद इसमें अब डालेंगे भुना हुआ चना और भुना हुआ मूंगफली।
तो चलिए इसमें मैंने मूंगफली भी डाल दिया है, अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो इसे चटपटा करने के लिए ना इसमें मैंने डाला है चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, अमचूर पाउडर। तो दोस्तों अगर आपके पास नींबू रहेगा ना तो नींबू भी डाल सकते हो खटास के लिए, लेकिन मैंने अमचूर पाउडर डाला हुआ है। अब इन सबको ना हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो फाइनली ये रेडी हो गया है खाने के लिए और बहुत ही हेल्दी होता है वो, तो आप लोग को पता है सब्जियों से भरपूर है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।